अयोध्या श्री राम की नगरी में 12 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की जाती है, उसके साथ रेप किया जाता है और जब मामला प्रकरण में आता है तो इस पर राजनीति तेज होने लगती है। इसी को लेकर आज सियासी चौक को लेकर हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के पटेल नगर में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम सियासी चौक के मुद्दे पर बातचीत करेंगे और तमाम सवालात करेंगे जिसका जवाब हम जनता से लेंगे और पूछेंगे क्या इस पर सियासत होनी चाहिए। जिस तरह से अयोध्या राम की नगरी कही जाती है और उस राम की नगरी में इतना बड़ा घोर पाप होता है, तो ऐसे में क्या कुछ एक्शन होना चाहिए? बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है क्या वो सही है? इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आम जनता से लेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम हिमांशी पराशर है। पराशर जी, अयोध्या में जो हुआ और उसके बाद भाजपा ने जो एक्शन लिया, जो अब तक एक्शन देखने को मिल रहा है, कितना सही मान रहे हैं? एक्शन बिल्कुल सही है और इससे एक बात और साबित होती है, विपक्ष का हाथ अपराधियों के साथ। जिस तरीके से सपा का नगर अध्यक्ष इसमें शामिल पाया गया है, इससे साबित होता है कि विपक्ष अपराधियों को संरक्षण दे रहा है और बाबा जी ने जो कार्रवाई करी है, माननीय योगी जी ने जो कार्रवाई करी है, हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। आप समर्थन करते हैं, लेकिन विपक्ष भी इस तौर को, इस मुद्दे को इस तरह से उठाता नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया है और ये कहा है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अगर डीएनए टेस्ट में जांच में ये सही पाया जाता है पूरा मुद्दा तो कार्रवाई की जाए, लेकिन उससे पहले ही आरोप लगाकर इतना बड़ा एक्शन ले लेना, ये मुद्दा गर्माया गया है, क्या कहेंगे? ये कहना है, अगर कहीं ना कहीं उनका नाम आ रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी इसमें लिप्त हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोच समझकर पूरी जांच कराकर ही कार्रवाई करी होगी और इससे साबित होता है कि विपक्ष लगातार अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, विधानसभा के अंदर केवल खोखले बातें की जा रही हैं, विपक्ष जो है अपराधियों के साथ है। गुरु जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं महंत विजयगिरी। विजयगिरी जी, महंत जी, सबसे पहले आप खुद एक महंत हैं और अयोध्या जैसी राम नगरी, पावन नगरी में इस तरह का घोर अपराध अगर सामने आता है और उसके बाद विपक्ष में टेंशन बढ़ जाती है, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? विपक्ष को समर्थन करना चाहिए अगर कोई इस तरह का गलत आदमी उनकी पार्टी में है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए या उसका समर्थन करना चाहिए? विपक्ष तो हमेशा, अगर किसी को सजा दी जाती है, किसी पर एक्शन लिया जाता है तो उसका विपक्ष समर्थन करता है कि ये कैसा कर दिया, और उस पर एक्शन नहीं लेते हैं तो विपक्ष चिल्लाता है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई। ये समझ में आते विपक्ष वाले करते क्या हैं। अगर कहीं भी कोई ऐसा कांड हो जाता है, अगर सरकार उस पर एक्शन लेती है तो कहते जी तुमने ऐसे कर दिया, एक्शन नहीं लेती तो कहते तुम वहाँ पहुँचे नहीं, तो ये समझ में नहीं आया विपक्ष वालों को। एक्शन जो अभी तक लिया गया है, वहाँ पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है, बुलडोजर कार्रवाई अब तक की गई है और आगे भी बुलडोजर कार्रवाई की बात की जा रही है, जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं उसको लेकर, जो उनके NRI फ्रेंड हैं, तो क्या सही है बाबा का जो बुलडोजर चल रहा है? बिल्कुल सही है। मैं तो कहूँ जो उनका साथ दे रहे हैं विपक्ष वाले, जो उनका समर्थन दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो बाबा जी से कहूँगा उनके घर पर भी चलवा दें तो आगे से ये भी शांत हो जाएंगे। अखिलेश यादव के घर पर भी चलवाना चाह रहे हैं, ये आगे से समर्थन भी नहीं करेंगे ना, क्योंकि चिल्लाता वही है जो उसके साथ होता है। जैसे बाबा जी उसके घर पे चलवा रहे हैं ना, ऐसे उसके घर पे भी चलवाता है कि अखिलेश यादव गलत का साथ दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं, अगर नहीं दे रहे होते चिल्लाते क्यों ये? आपका नाम जानना चाहूंगा। आलोक कुमार सिंह। आलोक कुमार जी, किस तरह से देख रहे हैं जो अयोध्या कांड हुआ है, जो 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप किया जाता है और उसके बाद ये पूरा प्रकरण सामने आता है, निकल कर एक्शन में सरकार आ जाती है तुरंत? ना तो निंदनीय है, कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई हुई, अच्छा हुआ। लेकिन आपने एक वो कहता कि अखिलेश यादव ने बोला DNA टेस्ट कराने के लिए, किस चीज़ का DNA टेस्ट चाहते हैं? जिसपे कार्रवाई हुई है वो हिंदू है या क्या है, क्या जानना चाहते हैं? अभी कार्रवाई की बात करते हैं तो अभी आप सपा का जो मुख्यालय है आप टेस्ट करा लीजिए, उसका नक्शा पास नहीं होगा, क्या वो ढहा जाएगा? नहीं हो, विश्वास हो तो आप एक बार मालूम करिएगा, हमें बताइएगा कि उसका नक्शा पास है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर उसको भी बुलडोजर चला के उसको भी बराबर कर दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो बच्ची हमारे घर की है तो क्या मैं चाहूँगा DNA टेस्ट हो? आपके घर की जो हो, चाहे अखिलेश यादव की घर की बच्ची हो, चाहे किसी के घर की बच्ची हो, क्या वो चाहेगा इस चीज़ हो? तो सियासत बेवजह हो रही है इस पर। एक तो ये मुद्दा सियासत का है नहीं, अगर इस पर सियासत हो रही है आप कोई सा काम करने चाहिए, अगर जाइए, अगर उससे दो आदमी विरोध करने ना आए फिर आप कहिएगा, कोई सा भी काम आप कर लीजिए, सड़क बनवाना हो, नाली बनवाना हो, खड़िया बनवाना हो, जो भी कुछ करिए, अच्छा से अच्छा काम करिए, विरोध करने वाले विरोध करेंगे करेंगे, ऐसा नहीं। विरोध करने वाले विरोध करेंगे जरूर। आपका नाम सा जाना चाहूँगा। आलोक त्यागी। त्यागी जी, आपको किस तरह से लगता है राम नगरी में, धर्म की नगरी अयोध्या को कहा जाता है, और उस धर्म की नगरी में इतना बड़ा अधर्म हो जाता है और जब एक्शन लिया जाता है तो विपक्ष की टेंशन बढ़ जाती है, क्या कहेंगे? विपक्ष की टेंशन ही बढ़ जाती है या अखिलेश के दिक्कत हो रही है उसको?
और अखिलेश जिस तरह से सपोर्ट कर रहा है अपने कार्यकर्ता को, सबसे बड़ी गलती वहाँ पर है। जांच होगी, क्या होगा, कैसे होगा, वो बात का विषय है। सबसे पहले अखिलेश को उस कार्यकर्ता को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। तो अखिलेश स्टैंड पर नहीं आना चाहिए, स्टैंड ले रहे हैं उल्टा वो। देखिए गलत है सही है वो अलग विषय है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप को साक्षी मान के उसको अपने कार्यकर्ता को पार्टी से निकालना चाहिए, उसके बाद जो होगा ठीक है देखा जाएगा। बिल्कुल, अखिलेश यादव को सबसे पहले जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता उनकी पार्टी के हैं, उनको निष्कासित करना चाहिए और बाद में जांच रिपोर्ट जब आएगी उसके बाद स्टैंड लेते रहे, ऐसा यहाँ पर जो है जनता उनका कहना है। आपका नाम जानना चाहूंगा। आनंद प्रकाश सिंह। आनंद जी, आप क्या कहेंगे, किस तरह से ये जो अयोध्या का पूरा मामला है आपको प्रकाश में होगा, संज्ञान में होगा? अपराधी अपराधी होता है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इसमें जो भी हो रहा है, अखिलेश यादव गलत बोल रहे हैं, डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। अपराधी अपराधी, अपराध अपराध का कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, और इसमें चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन बच्ची है और उसके साथ अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, आप भी मानते हैं अपराधी को सजा मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए सर, बिल्कुल, जो गलत हुआ है उसके लिए अपराधी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। एक्शन भी होना चाहिए। बिल्कुल रियल है जी, होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जब लोगों के अंदर डर बैठेगा तभी वो इन चीज़ों को दूर करेंगे। बिल्कुल, डर भी जरूरी है। जिस तरह से 12 साल की, आप सोचिए जरा, बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद ये पूरा प्रकरण सामने आता है और उसके बाद गुहार लगाई जाती है मुख्यमंत्री से और तब जाकर ये एक्शन लिया जाता है। कोशिश शुरुआत में ये रहती है कि किसी भी तरह से जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको बचा लिया जाए, लेकिन बाद में आखिरकार वो भी चपेटे में आते हैं और जब नाम उनका सामने आता है तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है और बुलडोजर की कार्रवाई होने के बाद जो सियासी टेंशन है, जो माहौल है, वो बढ़ जाता है विपक्ष का। क्या कहेंगे सर? मैं यही बोलूँगा कि अगर इल्ज़ाम लगाया है तो अगर उनकी तसल्ली है डीएनए कराने की तो करा लीजिए। अगर सच साबित होगा और वो जो कि अगर उन्होंने करा है तो साबित हो जाएगा, अगर उनकी तसल्ली है तो वो करवा लीजिए। क्योंकि उनका विपक्ष का परिवार जो है पीड़ित का, वो भी कह रहा है कि आप कीजिए कार्रवाई, लेकिन आप पहले डीएनए जांच करा लीजिए। संविधान ये बोलता है कि किसी पर इल्ज़ाम लगाना और उसको कन्फर्म करना, साबित होना, दोनों अलग चीज़ें हैं। साबित होना ज़रूरी है तो साबित हो जाए, उसके बाद जो भी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई, वो करी जाए। इस वक्त भय का माहौल होना बहुत ज़रूरी है इनका। बिल्कुल, अपोजिशन वालों ने, अब तक कोई भी नहीं गया वहाँ। जिस बेटी ने अपना नाम लिया है कि इसने मेरे संग अत्याचार किया है, क्या वो सपोर्ट अपने आप में सपोर्ट नहीं है? क्या वो इतना काफ़ी नहीं है? भाई हर एक को नाम तो नहीं ले सकता कि इसने मेरे साथ किया है, इतना काफ़ी है। ये बात की चीजें हैं, कोर्ट की चीजें, पुलिस की चीजें। 12 साल की मासूम बच्चे अगर ये कह रही है कि इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है तो क्यों नहीं माना जा रहा? देखिए, जो मुद्दा सामने आया है अयोध्या में, उत्तर प्रदेश के 75-70 जिलों में तमाम कितने ऐसे मामले जो सामने नहीं आ पाते, ये जो मामला सामने आया है, आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ उसके शरीर की एक हड्डी तोड़कर उसी के घर के नीचे गाड़ देनी चाहिए और तत्काल सरकार और सुप्रीम कोर्ट बाद में आदेश करे। हमारे इस उत्तर प्रदेश में तमाम संगठन इस प्रकार के हैं, इनकी पिटाई करना और इनके दिमाग सेंटर करना जानते हैं। अच्छा, मासूम के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही है और उसमें जो डीएनए गैंग घुस गया है, जो लगातार इस बात को कह रहा है कि पहले डीएनए की जांच हो, डीएनए जांच के बाद कार्रवाई की जाए और उसमें जो दोषी पाए जाए तब कार्रवाई की जाए, इसको लेकर किस तरह से आप देखते हैं? डीएनए जांच जब ही मांगी जाती है जब इनके घर में बहन बेटी नहीं होंगी। अगर इनके घर में स्वयं की बहन बेटी होंगी या स्वयं की बहुएं होंगी तो क्या, अगर उनके साथ ये अपहरण होता तो क्या भी माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी स्वयं डीएनए मांगते? मैं उनसे स्वयं ये सवाल करना चाहता हूँ। डीएनए और ये जितने भी रूपरेखा है सब खामखा की है। ये जो समुदाय है, ये इन लोगों को, ये इनका ब्रेन वॉश करा जाता है कि जितने भी सनातन धर्म की लड़कियां हैं, हिंदू धर्म की लड़कियां हैं, उनको अपने जाल में फंसाइए, कलावा बांध कर फंसाइए और टोपी पहनकर इनको शादी कर अंत में इनको फ्रिज में बंद कर दीजिए। सियासी चौक में अयोध्या का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है, लोगों के मन में भी काफी ज्यादा उबाल देखने को मिल रहा है। जिस तरह से 12 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की घटना अयोध्या में शामिल आई और उसके बाद बाबा का जो पीरा पंजा है वो चलता हुआ नजर आ रहा है और सियासी मुद्दा ये फिलहाल बना हुआ है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।